मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर टुडे इज़ डेट 23/7/2020. नाउ हम लोगों का क का जितना भी वर्क था वो फिनिश हो गया. क लेटर का प्रैक्टिस भी हम लोगों का सब अच्छे से हो गया. राइट, नाउ अब बारी है ख की. क के बाद क्या आता है? ख. ख से खरगोश. के एच ए. ख को किससे प्रोनाउंस करते हैं? के एच ए. ख. ख से खरगोश, ख से खम्बा, ख से खत, ख से खरल. राइट, नौ. चलो मेरे साथ साथ यहाँ पे सब लोग ख अच्छे से ट्रेस करो. सबने अच्छे से ख को ट्रेस किया. ओके, अब हमें क्या करना है? ख पहचान कर. देखो, च में आ की मात्रा लगाई है तो ये चा बना है. राइट, ख पहचान कर गोला बनाओ. एक्सरसाइज ख. ख का एक्सन नहीं, इन सर्कल ख. ख पर हमें सर्कल करना है. जैसे ख तो फर्स्ट में ख है तो ख पर हमने सर्कल करा. सेकंड लेटर हमारा कौन सा है? घ. नहीं, श. नो, न. नो, र. नो अगेन. ख. च. नो. म. नो. ख. त. नो. ख. व. ज. ख. अब देखें, यहाँ पर ख को छोड़कर इतने सारे लेटर्स भी अलग अलग आए, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जब तक आपको लेटर्स की पहचान नहीं होगी तब आप तक आप लोग हिंदी कैसे रीड कर पाएंगे. एटलीस्ट ये पहचानना तो ज़रूरी ना कि इसे घ कहते हैं, इसे श कहते हैं, ये न है, ये र है, ये च है, ये म है, ये त है, ये व है और ये ज है. हमें यह पहचान होगी तो हम लोग अच्छे से लेटर्स कर पाएंगे. राइट, नाउ अब ये हमें क्या करना है? वर्ण में रंग भरो, बिंदुओं को मिलाओ. कलर द लेटर. आपको इस लेटर में कलर करना है एंड ज्वाइन द डॉट्स. तो चलो हम लोग ज्वाइन करते हैं डॉट्स को और फिर हम लोग कलरिंग करते हैं. ओके, इससे आप लोग क्या सीखेंगे? ख की प्रैक्टिस. ये हम लोगों ने अच्छे से लेटर्स को ज्वाइन किया. ओके, अब नाउ हम लोग कलरिंग करते हैं. यहाँ मैंने रेड कलर निकाला है. आप लोग आपके फेवरेट कलर कर सकते हैं. अच्छे से कलर करना, ध्यान से सभी लोग. ओके, सबकी कलरिंग अच्छी सी दिखना चाहिए मुझे. नाउ सबकी कलरिंग अच्छे से हुई. वाओ, कितना सुंदर लग रहा है सभी का. राइट, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? पढ़ो और लिखो. यहाँ पर हमें इसे रीड करना और लिखना है. जैसे ख ख ख. अब हमें प्रैक्टिस करना है ख लिखने की. तो चलो मेरे साथ साथ सब लोग ख लिखो. ख से खरगोश. और देखो यहाँ ऊपर लाइन खींचना ज़रूरी है. अगर हमारे हिंदी में वर्णों के सर पर छत होना बहुत जरूरी है. हिंदी में वर्णों के सर पर छत का होना बहुत जरूरी है. गुजराती में लाइन नहीं होती है सर पर, लेकिन हिंदी में करना जरूरी है, नहीं तो फिर मार्क्स कट होते हैं. ओके, अगर आपको आपके मार्क्स को कट होने से बचाना है तो आपको सभी का ख डन हो गया. ओके, नाउ टर्न योर पेज एवरीवन, मूव योर पेज. अब देखिए यहाँ क्या करना है? ख को, मतलब ये सर्कल में लिखे हुए ख को, ख से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो. ज्वाइन ख विद द पिक्चर विच बीइंग विद द लेटर ख.
मीन्स ख को ख से शुरू होने वाले चित्रों के साथ जोड़ना है हमें। ओके नाउ ख, ख से खटिया, ये ख से शुरू हो रहा है। गणपति ख से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। खंबा हो रहा है? राइट, खंबा ख से शुरू हो रहा है। उसके बाद में कलश, नो, खरपेल, राइट, खरपेल ख से शुरू हो रहा है। एंड खरगोश भी ख से शुरू हो रहा है। ओके, तो सिर्फ क्या क्या जॉइंट हुआ? ख से खटिया, ख से खंबा, ख से खरपेल, ख से खरगोश। नाउ ख के नीचे रेखा खींचो। अब आपको यहाँ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ख के नीचे ही रेखा खींचना है। जैसे ब, त, ख, तो ख कहाँ है? ये रहा है, तो ख के नीचे रेखा खींचा। ओ ख ली, ये रहा ख। चखना मीन्स टेस्ट करना, ये रहा खटिया। खत लिखना, राइट, सब में ख के नीचे खींच लिया। अब हमें क्या करना है? ख से अलग वर्णों को क्रॉस करो। क्रॉस द लेटर्स अदर देन ख। ख से अलग वर्ण र, ब, क, ग, च, ब, ब, र, ग, ये सारे लेटर्स जो है ये ख से अलग हो गए। अब हमने देखो ख को छोड़ दिया, ये ख है, ये ख है, ख है, ख, 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 ख वाले लेटर्स हमने छोड़ दिए और ख से अलग लेटर्स को हम लोगों ने क्रॉस किया। ओके नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्या है? पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। आपको ये पढ़ना है और लिखना है। जैसे खटिया, खरबूजा, खरल, खत। अभी आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। जैसे ख, राइट, सब दूर आपको ख ही बनाना है। ख, 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 एंड ख। डन एवरीवन, डन ऑल वर्ड। ओके, शब्द में से ख पहचान कर सर्कल बनाओ। इन सर्कल ख इन द वर्ड्स। अब आपको सिर्फ ख पहचानना और उसके ऊपर सर्कल बनाना। जैसे फर्स्ट में क्या है? खटोला, तो खटोले के ऊपर सर्कल बनाया। सेकंड में खग, खग मीन्स क्या होता है पता है? पक्षी, जो पक्षी होते हैं ना, पशु मीन्स जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, उन्हें भी खग कहा जाता है। ओके नाउ लिखना मीन्स हम जो लिखते हैं ख के ऊपर सर्कल। एंड खरल, ये रही खरल, तो ख के ऊपर सर्कल। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों की टेक्स्ट बुक में फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटबुक में ख का प्रैक्टिस करेंगे और फिर ख की एक्सरसाइज हम लोग नोटबुक में भी करेंगे। ओके बाय ऑल।